है बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोगों का बच्चे स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिक्स में लेकर आए हैं बच्चे, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चाहिए कि ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें बच्चे। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का हम लोग लेके आए हैं बच्चे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जो फर्स्ट चैप्टर था बच्चे, वो था आपका बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जनरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश का प्रावर्तन, और ये जो सेकंड चैप्टर है बच्चे, वो प्रकाश का अपवर्तन है, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चे? आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करना है। देखिए बच्चे, प्रावर्तन का मतलब होता था कि किसी सतह पर पड़ता था, पड़ करके वापस लौट जाता था, तब वो प्रावर्तन कहलाता था। जैसे आप लोग, जैसे मिरर पर यदि हम लाइट को डालते हैं, तो क्या होता है कि मिरर से प्रकाश, मतलब मिरर पर प्रकाश जब पड़ता है, तो उस पर पड़ कर वापस क्या हो जाता है? लौट जाता है। और जो लौटने की जो क्रिया थी, उस लौटने की क्रिया को हम लोग बच्चे पढ़ते थे प्रकाश का प्रावर्तन। लेकिन हाँ, कब प्रकाश का प्रावर्तन होता है? जब सतह अपारदर्शी हो, चिकना हो, चमकीला हो, तभी आपका प्रकाश का प्रावर्तन होगा। जैसे आप दीवार पर कहिएगा, दीवार पर टॉर्च जलाएंगे, तो क्या प्रकाश का प्रावर्तन होगा? बिल्कुल नहीं बच्चे, क्योंकि दीवार चिकना नहीं है, रुखड़ा है। मतलब चमकीला होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, समतल, मतलब कहने का मतलब चिकना, चमकीला और अपारदर्शी होना चाहिए, तभी जाके आपका प्रकाश का प्रावर्तन हो पाएगा। अगर सतह रुखड़ा भी रहेगा, लेकिन चमकीला होना चाहिए, तभी प्रकाश का प्रावर्तन होगा। आप लोग को ध्यान देना है। लेकिन प्रकाश का जो अपवर्तन है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बच्चे, वो जनरली ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है, अर्थात पारदर्शी माध्यम में होता है। देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना, या अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे पारदर्शी का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता हो, तो आप कहिए कि अपवर्तन की क्रिया क्या दर्पण में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अपवर्तन की क्रिया लेंस में हो सकती है, प्रिज्म में हो सकती है, आयताकार कांच के स्लैब में हो सकती है, वायुमंडल में हो सकती है, इसमें अपवर्तन की क्रिया हो सकती है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन की क्रिया के लिए पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है, न कि अपारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान से मेरी बातों को, प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा सुनिएगा। तो कहता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेता है। प्रकाश के इस प्रकार अपने मार्ग में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि एकदम आप लोग को समझ में आ सके। देखिए, पारदर्शी माध्यम, जैसे देखिए, मान लीजिए कि अगर हम इस फिगर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ से लाइट जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे पारदर्शी माध्यम के रूप में देखिए आयताकार कांच का स्लैब रखा गया है। तो देखिए, इस प्रकाश को पहले सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि देखिए ऐसे अपने मार्ग में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। दूसरी बात, जब हवा में निकला, तो ऐसी कंडीशन में तो इसको सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि देखिए इधर भाग गया। तो ये जो प्रकाश अपने मार्ग में जो परिवर्तन कर रहा है, इसी मार्ग में परिवर्तन करने की क्रिया को बच्चे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो ग्लास के अंदर रखा हुआ है पेंसिल, जो कुछ देखिए यहाँ पे मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, ये अपवर्तन के कारण हो रहा है। क्यों बच्चे? क्योंकि देखिए यहां से जब प्रकाश निकलता है, तो देखिए अपने मार्ग में परिवर्तन करने के कारण ही ऐसा मतलब दिखाई देता है। या देखिए यहाँ पे भी फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि जब पेंसिल से जब प्रकाश निकला, तो इसको देखिए सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपने मार्ग में क्या कर लिया, परिवर्तन। जैसे देखिए यहाँ से क्या हुआ है कि ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया कि सीधा ना निकल करके देखिए इधर अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया है। तो मार्ग में जो परिवर्तन करने की जो क्रिया है, उसी को तो बच्चे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखिए पेंसिल टेढ़ा प्रतीत हो रहा है, वही ये चीज है। देखिए लेंस में भी अपवर्तन की क्रिया होती है। जैसे देखिए ये जनरली बच्चे उत्तल लेंस है, आप लोग को बताया भी जाएगा और जानते भी होंगे, तो बच्चे ध्यान देंगे। ये बच्चे उत्तल लेंस है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किरण जा रहा है, तो किरण जा रहा है, तो देखिए अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया। देखिए नीचे की ओर मुड़ गया, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं निकला, ये अपने मार्ग में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। सॉरी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी देखिए प्रकाश की किरण जा रहा है, तो ये अपवर्तन करके देखिए ऊपर की ओर चला गया। यहाँ पे भी देखिए गया ऊपर की ओर चला गया। कहने का मतलब, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम, देखिए पारदर्शी मतलब वायु, वायु भी एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है, से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे लेंस, लेंस भी तो कांच का बना होता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करता है, तो अपने मार्ग में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। प्रकाश के इस प्रकार अपने मार्ग में परिवर्तन करने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को बच्चे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे और भी, जैसे देखिए इस लेंस का नाम है बच्चे अवतल लेंस।
देखिए इसमें भी अपवर्तन की क्रिया हो रही है। देखिए यहाँ से ऐसे प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश जाने के बाद देखिए ऊपर की ओर चला गया, इसको सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपने मार्ग में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। तो वही चीज तो अपवर्तन कहता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करता है तो अपने मार्ग में इसको सीधा निकल जाना चाहिए था बच्चे, लेकिन ये सीधा नहीं निकला, ये अपने मार्ग में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। प्रकाश के इस प्रकार अपने मार्ग में जो परिवर्तन करने की जो क्रिया है बच्चे, इसी मार्ग में परिवर्तन करने की क्रिया को तो बच्चे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये मानव नेत्र है, मानव नेत्र में भी देखिए उत्तल लेंस लगा होता है। देखिए ये जो मोमबत्ती रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश चला तो चलने के बाद देखिए यहाँ से देखिए ये क्या हुआ कि अपने मार्ग में, जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा तो क्या करता है कि सीधे यहाँ पे मोड़ करके रेटना पाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि प्रकाश की किरण मोड़ के यहाँ पे क्या आ जाता है, रेटना पर, इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे ना जा करके ये सीधा यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाके मुड़ जा रहा है, तो इसको सीधे ना निकल के देखिए प्रकाश अपने मार्ग में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। तो वही चीज तो है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। प्रकाश के इस प्रकार अपने मार्ग में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं बच्चे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्राम आप लोग देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए ऊपर जनरली एयर है और नीचे बच्चे वाटर है, लाइट जा रहा है एयर टू वाटर, मतलब एयर से वाटर में प्रकाश जा रहा है। थोड़ा इस डायग्राम को बढ़िया से आप लोगों को देखना है बच्चे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लाइट देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ कि देखिए ये नीचे की ओर देखिए लाइट मुड़ गया, मतलब इसको देखिए सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन सीधा ना निकल के बच्चे ऐसे बैंड हो गया। तो बैंड होने की क्रिया को ही तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देखिए ये प्रिज्म, प्रिज्म में भी वही क्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे व्हाइट लाइट जा रहा है तो क्या हुआ कि इसको तो सीधे निकल जाना चाहिए था, जब व्हाइट लाइट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से तो ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि नीचे की ओर मुड़ गया, तो यह मुड़ गया जो नीचे की ओर अपने मार्ग में परिवर्तन, जैसे नीचे की ओर बैंड हो गया तो अपने पथ को तो परिवर्तन कर लिया। और जो पथ में जो परिवर्तन करने की जो क्रिया है उसी को तो बच्चे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। या जब यहाँ से जब निकला तो बच्चे इसको सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए नीचे की ओर बैंड होकर प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ पे भी अपवर्तन की क्रिया हो रही है। तो सीधा सीधा बात आप लोग को याद रखना है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करता है तो अपने मार्ग में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। प्रकाश की इस प्रकार अपने मार्ग में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ऊपर बच्चे ग्लास है, नीचे एयर है, ग्लास से प्रकाश देखिए आ रहा है, ऊपर से देखिए प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो जब ऊपर से ऐसे प्रकाश आ रहा है तो इसको देखिए बच्चे सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग में क्या कर लिया, परिवर्तन, इतना मार्ग में अपना परिवर्तन कर लिया। तो वही तो मार्ग में परिवर्तन करने की क्रिया को ही तो बच्चे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चे नेक्स्ट हम एक बात लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझने का प्रयास करना है। सबसे पहली बात आप लोग को हम समझाना चाहते हैं कि माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम का मतलब होता है जिसमें माध्यम के कण पास-पास हो, जैसे पास-पास, जैसे कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं जैसे एक ग्लास और एक बात बच्चे कहते हैं एयर, ग्लास का मतलब हो गया एक प्रकार का शीशा और एयर का मतलब हो गया हवा। अब आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा घना है, तो आप कहिएगा ग्लास ज्यादा घना है और इसके तुलना में एयर कम घना है, इसलिए एयर को अगर हम कहेंगे तो ये कह देंगे विरल माध्यम, और अगर शीशा की बात कर देंगे तो ये बच्चे हम कह देंगे कि यह सघन माध्यम है। तो देखिए बच्चे आप लोग को यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सघन विरल, सघन का मतलब होता है माध्यम के कण पास पास होना, और विरल माध्यम का कण, विरल माध्यम का मतलब होता है माध्यम का कण दूर दूर होना। जब माध्यम का कण पास पास होता है तब उसे हम बच्चे सघन माध्यम कहते हैं, और जब माध्यम के कण दूर दूर होता है तो उसे हम लोग विरल माध्यम। अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं बच्चे कि अगर हम वेग, प्रकाश के वेग को अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश के वेग, आप ही बताइए जो ज्यादा घना रहेगा उसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा कि कम, तो आप कहिएगा कम होगा क्योंकि घना है प्रकाश धीरे धीरे जाएगा। अब विरल है दूर दूर है तो उसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। वैसे भी अगर हम आपको अगर हम कहेंगे, अगर मनुष्य को अगर कहेंगे कि एक पानी में दौड़ाया जाए और एक हवा में दौड़ाया जाए, कौन में मनुष्य ज्यादा दौड़ेगा तीव्र गति से, तो आप कहिएगा कि हवा में तीव्र गति से दौड़ेगा लेकिन पानी में कम तीव्र गति से दौड़ेगा। इसका वही कारण है सघन और विरल। सघन में किसी भी वस्तु का वेग घट जाता है और विरल में किसी भी वस्तु का वेग बढ़ जाता है। उसी प्रकार सेम प्रकाश भी करता है। तो देखिए माध्यम दो प्रकार के, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम याद रखिएगा माध्यम के कण पास पास होता है, विरल माध्यम का मतलब होता है माध्यम के कण दूर दूर होता है। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। ये पहले माध्यम आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को हम बताने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे बच्चे एक लेते हैं कांच और एक लेते हैं जल,
एक कांच लेते हैं और एक बच्चे हम जल लेते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि कांच की अपेक्षा जल क्या है, तो कांच की अपेक्षा जल विरल होगा, लेकिन जल की अपेक्षा कांच क्या होगा, तो सघन होगा। जल की अपेक्षा कांच कहेंगे तो ये सघन हो जाएगा, लेकिन कांच की अपेक्षा जल कहेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, विरल। यदि अगर हम बात करते हैं हवा और एक बात करते हैं जल, अगर हम पूछे हवा की अपेक्षा जल, तो हवा की अपेक्षा जो जल होता है वो सघन माध्यम होता है, हवा की अपेक्षा जल सघन होगा, लेकिन जल की अपेक्षा हवा कहेंगे तो ऐसी कंडीशन में ये विरल हो गया। देखिए सबसे सघन माध्यम बच्चे आप लोग को याद रखना है हीरा होता है, प्रकृति में हीरा सबसे सघन माध्यम होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब माध्यम को जनरली हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। विरल माध्यम में माध्यम के कण दूर दूर होगा और सघन माध्यम में माध्यम के कण आस पास होगा, बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग को यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। अब इस डायग्राम को सबसे पहले देखिए, ऊपर में अगर हम मीडियम के रूप में यदि हम वायु ले लेते हैं और नीचे अगर हम ले लेते हैं बच्चे जल, नीचे जल है, समझिए जल है। तो अब देखिए प्रकाश क्या हो रहा है कि वायु से जा रहा है जल में, तो जब वायु से जल में जा रहा है तो देखिए सबसे पहले ये जो किरण जा रहा है इस किरण को बच्चे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन किरण बच्चे? आपतित किरण। ये जो किरण है ये आपतित किरण, आपतित किरण माध्यम के जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु को बच्चे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं, ये बच्चे अभिलंब है। तो इसमें हुआ क्या कि जब विरल से देखिए सघन में जा रहा है, तो विरल से सघन में जा रहा है तो ये हुआ क्या कि ये अभिलंब की ओर झुक गया, इसको क्या होना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना निकल के अभिलंब की ओर झुक गया। ऐसा क्यों? आप सोचिए जैसे आपको यहाँ पे वायु से जल में जा रहा है, तो देखिए वायु में इसका छलांग बड़ा बड़ा होगा, जैसे ही वह कांच में जाएगा या जैसे ही जल में जाएगा तो इसका छलांग छोटा हो जाएगा, और छलांग छोटा होने के कारण इसका वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए वायु में छलांग प्रकाश का ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम जल में बात करते हैं चूंकि यह सघन माध्यम है इसलिए इसमें छलांग इसका छोटा हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो छलांग बड़ा बड़ा मारते आ रहा होगा, जैसे ही जल में प्रवेश करता होगा तो छलांग छोटा हो जाता होगा, तो छोटा हो जाने के कारण क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाता है बच्चे, अभिलंब की ओर झुक जाता है। याद रखिएगा विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि देखिए जब छलांग छोटा हो गया तो छलांग को ही तो बच्चे हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसलिए तरंग दैर्ध्य भी छोटा हो गया होगा। तीसरी बात आप लोग को ध्यान रखना है कि जब तरंग दैर्घ्य छोटा हो गया मतलब छलांग छोटा हो गया तो वस्तु का प्रकाश का वेग भी घट गया होगा, छलांग जब छोटा हो गया तो प्रकाश का वेग भी घट गया होगा। आप लोग को पता चलना चाहिए कि जब छलांग ही छोटा हो गया तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश का वेग भी घट गया होगा। तो देखिए यहाँ से बहुत सारा निष्कर्ष निकल रहा है, विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, छलांग छोटा होगा, छलांग छोटा का मतलब तरंग दैर्ध्य छोटा होगा, तरंग दैर्ध्य छोटा होने के कारण इसका वेग कम हो जाएगा, ये बच्चे आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरी बात अब देखिए यहाँ पे देखिए ये तो बच्चे अभिलंब है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपतित किरण और जो अभिलंब है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण को बच्चे हम लोग आई से रूपित करते हैं। देखिए परावर्तन में परावर्तित किरण होगा, लेकिन इसमें बच्चे जो किरण निकल रहा है इस किरण को बच्चे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण बच्चे? अपवर्तित किरण कहते हैं, और ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को I से और अपवर्तन कोण को R से। अब आप ही बताइए बच्चे इसमें I बड़ा होगा कि R बड़ा होगा? सीधा सिंपल सी बात है, जब अभिलंब के झुक गया तो R को छोटा कर दिया होगा और I बड़ा होगा, तो इस कंडीशन में I बड़ा होगा किससे? R से। कब? जब विरल से सघन में जाएगा, तब बच्चे ध्यान रखना है, जब विरल से सघन में जाएगा तो I बड़ा होगा R से। अब हम एक बात बताने का प्रयास करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि ये किरण अगर सीधे चल जाता, अगर नहीं मुड़ता, अगर सीधे चल जाता तो क्या होता? देखिए ये वाला कोण जो होगा एक्स्ट्रा, मतलब कहने का मतलब ये जो कोण घट जा रहा है, कहने का मतलब एक कोण जो मतलब घट अभिलंब पर जब झुक गया तो एक कोण तो मेरा घट गया, अगर ये नहीं होता तो ये वाला जो कोण बन रहा है तो इस कोण को हम लोग कह देंगे विकलन कोण। विकलन कोण को निरूपित करते हैं डेल्टा से, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जितना मुड़ा, जितना मुड़ा उसी को हम लोग कहेंगे विकलन कोण। ऐसे सीधे निकलता तो ऐसी कंडीशन में ये कोण क्या होता कि बढ़ जाता। तो अगर मान लीजिए कि सीधे ना, यहाँ पे तो सीधे ना निकला हुआ है, इतना तो मार्ग में अपना परिवर्तन कर लिया है, तो जितना अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया है उसी मार्ग में परिवर्तन जो किया है उसको हम विकलन कोण कहते हैं। जितना मार्ग में परिवर्तन, इतना अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया है, सीधे ना निकल के इतना अपने मार्ग में झुक गया है, तो जितना अपने मार्ग में परिवर्तन किया है उसी को बच्चे हम लोग कहते हैं विकलन कोण। विकलन कोण को हम लोग निरूपित करते हैं डेल्टा से, और डेल्टा का मान अगर हम निकालने का प्रयास करेंगे बच्चे तो इसको क्या करेंगे कि आई माइनस आर कर देंगे। अब ऐसा क्यों बच्चे? सुनिए,
देखिए ये आई है, तो देखिए ये आई होने के कारण इसको अगर हम आई करते हैं तो अगर ये किरण सीधा निकलता तो ये भी आई होता शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन ये तो सीधा बेंड हो गया है। तो देखिए ये आई है, ये आर है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, पूरा आई में से इतना आर घटा देंगे तो मेरा डेल्टा आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग को पता चला होगा बच्चे। अब हम नेक्स्ट फिगर में थोड़ा सा हम चलने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, सीधा फिगर को हमने उल्टा कर दिया है, सीधा फिगर को हमने बच्चे उल्टा कर दिया। आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे कि सीधा उल्टा हो गया, अर्थात ऊपर चला गया जल और नीचे आ गया बच्चे वायु। कहने का मतलब ये बन गया आपका सघन और ये बन गया आपका विरल। अब प्रकाश सघन से विरल में, अब आप ही सोचिए जब जल से वायु में प्रकाश जा रहा है तो देखिए जल में तो छलांग छोटा छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा जल में छलांग देखिए छोटा छोटा होगा, तो जल में छलांग छोटा छोटा होगा, जैसे ही हवा में निकलेगा तो छलांग कैसा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर भागेगा बच्चे। ये वाला आपतन कोण आई होगा, ये अपवर्तन कोण आर होगा। देखिए ये वाला आपतित किरण होगा, ये अपवर्तित किरण होगा, ये अभिलंब होगा, ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। आप यहां पे समझ सकते हैं बच्चे कि जब सघन से विरल में जाता है तो सबसे पहली बात जो प्रकाश की किरण होता है अभिलंब से दूर भाग जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। दूसरी बात, इसका जो छलांग होता है बढ़ जाता है, छलांग बढ़ने का मतलब इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है, तरंग दर बढ़ने के साथ साथ अब हम कहेंगे कि इसका वेग भी बढ़ जाता है। अब आप ही बताइए जब वेग बढ़ गया तो आर यहाँ पे बताइए बड़ा होगा कि छोटा होगा, आप कहिएगा कि आर बड़ा होगा क्योंकि अभिलंब से दूर भाग गया है, तो ऐसी कंडीशन में आई से बड़ा होगा आर। इस किरण को सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था लेकिन सीधे ना निकल करके इतना अपने मार्ग में परिवर्तन कर लिया है, जितना अपने मार्ग में परिवर्तन करता है उसी कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं। और डेल्टा बराबर बताइए आई में से आर घटाइएगा कि आर में से आई, तो आर बड़ा है तो आर में से ना घटाएंगे बच्चे, इसलिए डेल्टा बराबर होगा आर माइनस आई। ये आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चे, हम उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए नया पॉइंट हमने क्या लाया है बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एकदम एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता हो तो क्या क्या होता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देखिए ये डायग्राम था और ये डायग्राम था सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो देखिए ये है कहता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होगा। देखिए हमारा चार यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पहला है तरंगदर, दूसरा वेग, तीसरा आवृत्ति और चौथा पथ। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है बच्चे कि सबसे फर्स्ट में कहता है तरंगदर। अच्छा देखिए प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, विरल से सघन में, तो बताइए विरल से सघन में जाएगा तो छलांग छोटा होगा कि बड़ा, तो आप कहिएगा छोटा, विरल से सघन में जा रहा है, सघन घाना में जा रहा है तो छलांग छोटा होगा, छलांग छोटा से तरंगदर घट जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में तरंग दर हम लोग लिखेंगे बच्चे घट जाएगा, तरंग दर घट जाएगा। दूसरी बात चलिए वेग, अब आप ही बताइए जब छलांग छोटा हो जाएगा तो वेग घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे बच्चे वेग घटेगा। अब प्रश्न उठता है आवृत्ति, आवृत्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात ये अपरिवर्तित, अब कहिए ऐसा क्यों, आप तो ये बता दिए ये वाला कैसे कह रहे हैं कि अपरिवर्तित, आवृत्ति कैसे अपरिवर्तित होगा। सिंपल सी बात है बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए कि भी बराबर होता है एल लैम्डा, भी बराबर एन लेमडा होता है, जहां भी होता है तरंग का वेग, एन होता है आवृत्ति और लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य। तो जब हम यहाँ से एन बराबर निकालेंगे तो भी बटे हो जाएगा लेमडा, जब हम यहाँ से एन बराबर निकालेंगे तो भी बटे लेमडा हो जाएगा, जहां भी क्या है तरंग वेग है और लेमडा क्या है तरंग दैर्ध्य। अब एक बात आप लोग बताइए बच्चे कि देखिए जैसे बात को समझिएगा, जब ये विरल से सघन में जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में तो तरंग दर तो घट रहा है, तो तरंग दर घटने से तो वेग भी घट रहा है, तो दोनों घटेगा, दोनों घटेगा समान रूप से घटेगा, तो दोनों समान रूप से, जैसे मान लीजिए घट के आधा हो गया, मान लीजिए घट के आधा हो गया, तो जैसे भी था तो मान लीजिए भी बटे दू हो गया, और लेमडा से मान लीजिए लेमडा बटे दू हो गया, एन के एन छोड़ दीजिए, भी बटे दू के भी बटे दू, मेन बटा से गुना में कर देंगे, दू बटे लेमडा, दू से दू क्या हो गया कट गया, बराबर यहाँ एन, तो आप ही बताइए एन बराबर तो भी बटे लेमडा पुनः जो पहले था वही चीज आ गया, तो जब वही चीज आ गया तो ऐसी कंडीशन में आवृत्ति बदला नहीं बदला। तो आप लोग कभी भी एकदम ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो तीन चीज बदलता है और एक चीज नहीं बदलता है, कौन कौन बदलता है बच्चे, वेग बदलता है, तरंग दर बदलता है, पथ बदलता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, ये आप लोगों को माइंड में एकदम बिल्कुल सेट कर लेना है। अब प्रश्न उठता है पथ, हाँ बिल्कुल, अगर हम पथ की बात करते हैं बच्चे,
तो जब हम पथ की बात करते हैं तो पथ देखिए अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो पथ तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। आप लोगों ने देखा है कि अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे। ये आपका फर्स्ट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड, अब हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जस्ट इसका उल्टा। देखिए कहता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या क्या होता है, तो देखिए तरंग दल। अब बताइए सघन से विरल जा रहा है, सघन घना से विरल में जा रहा है, तो घना से विरल छलांग बढ़ जाएगा, छलांग बढ़ जाएगा मतलब तरंग दल बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे तरंग दल बढ़ जाएगा, तो आप ही बताइए बच्चे तरंग दल बढ़ जाएगा तो वेग भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि छलांगे बढ़ गया तो वेग तो बच्चे बढ़ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में वेग हम लोग लिखेंगे कि बढ़ जाएगा। तीसरी बात आवृत्ति, अब बताइए दोनों तो बढ़ गया है तो समान रूप से अगर मान लीजिए कि n बराबर हम पीछे बात किए थे तो v बटे लेमडा, तो n बराबर अगर वेग मान लीजिए दुगना हो गया तो 2v, तो लेमडा भी तो दुगना होगा तो 2 लेमडा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n बराबर बच्चे v बटे लेमडा। तो जो पहले फॉर्मूला था वही फॉर्मूला पुनः फिर आ गया, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ लिख देंगे कि अपरिवर्तित होता है। चौथा बात हम बात करते हैं बच्चे पथ, अब बताओ सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल तो अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, छलांग बड़ा होगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा ना बच्चे, इसलिए हम लोग लिखेंगे अभिलंब से दूर भागेगा। ध्यान दीजिएगा अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर भागेगा, ये आपका पथ हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बात आप लोग को पता चल गया होगा। नेक्स्ट बच्चे अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को समझने का प्रयास करना है। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखिए जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसी प्रकार है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए हम एक बार प्रकाश का परावर्तन का नियम बोल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता था उसमें आपतित किरण, पहला नियम की बात कर रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में स्थित होते हैं, ये परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का दूसरा नियम था बच्चे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अब हम बात करते हैं बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक बात कर रहे हैं।